मेरा नाम बन्ना गुप्ता है। जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई कलाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम बढ़िया काम करने से रोक सके। ये किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा। अरे ठीक है, बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े हैं कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोले ओके, ऐसा होगा? तो चूंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और एक सार्वजनिक जीवन जीता हूँ, तो इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप में हमारे जैसे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। और जबकि आपको हम स्पष्ट करें कि पैसा भी नहीं आया है, कि आप उनसे ये जरूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको यह प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा, तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, भाई करोड़ रुपया का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यो तक पता चल जाता। कोना में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो उनका कैमरा से हम भागे नहीं पाएंगे, तो वो तो ये भी बता देंगे कि करोड़ रुपया हम कौन गाड़ी से लेके भाग गए हैं। तो उनको जरूर ये सब पूछिए आप लोग। और वो यदि शुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में शुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूँ और सही कहते हैं। लेकिन शुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि शुचिता की बात है तो मंत्री का आवास जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवास क्यों वो ये कर रहे हैं? नैतिकता कहाँ गई? मतलब कड़ुआ कड़ुआ थू थू मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। अरे भैया, मतलब हम बिकवर्ड है, कमजोर है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जर मुसलसल सलते सलते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मकदूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है? उनको ये भी जरा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का तीन तीन चार चार बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ, जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। तो उनको मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहां पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है, ठीक है, हमको तो रोज गाली भी देंगे, तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे हैं। देखिए, चूंकि ये ऑफिसर सीक्रेट कोड का उल्लंघन किया गया है, आदरणीय राय जी यदि सुचिता की बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूँ और मेरा ये अधिकार है जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने RTI से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला? तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है, और ये सर्विस सीक्रेट कोड में उल्लंघन को लेकर विभाग जो है आगे बढ़ेगा। मैंने पीत पत्र लिख दिया है
और पीत पत्र लिखने के बाद वहां से विभाग जो है अपना जवाब देगा, जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन ये क्रमबद्ध चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये गंधक की आग है, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा जलने लगेगा।